आज हम ILBS आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने शुरू किया है ILBS अस्पताल में, जो एक नॉन कोविड हॉस्पिटल है। यानी कि यहाँ पर कोविड के मरीज नहीं आते हैं, नॉन कोविड लोग आकर अपना इलाज कराते हैं। और हमारे साथ हैं आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट, इनका नाम है कार्ल रॉक। कार्ल रॉक दिल्ली के हीरो हैं। धन्यवाद जी। कार्ल का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था, ये वहीं पले बड़े, बॉर्न एंड रेज इन न्यूजीलैंड, और अब ये हिंदुस्तान में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, और इन्होंने एक इंडियन लड़की से शादी भी करी है। बिल्कुल। और अब ये जितनी अच्छी हिंदी हम बोलते हैं उतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। हाँ, मैं हिंदी सीख रहा हूँ ना, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा था। Absolutely. So, Carl, we'll just take a few minutes of yours and get to know more about your experience of the plasma donation. So, first of all, आप हमें ये बताइए, how did you get COVID-19 disease? आप infect कैसे हुए? I went to the airport, the international airport, to pick up मेरी साली. अच्छा, आपकी साली? Yeah. अच्छा. So that's where I got it from. That's all I can think of. But I was staying home, you know. और आप कोई आपको भारी सिम्टम्स थे, सीवियर सिम्टम्स? नहीं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं था, लाइक हेडेक, चेस्ट इन्फेक्शन एंड जस्ट टायर्डनेस, नो कफ। नो कफ, कोई खांसी नहीं थी? नहीं, आई थॉट आई वुड गेट अ कफ, एवरीवन गेटिंग अ कफ, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट गेटिंग इट। तो आप होम आइसोलेशन में ठीक हुए या हॉस्पिटल गए? Home isolation 17 days के लिए। दिल्ली सरकार फोन करके आपका हालचाल पूछती थी? हर दिन 10 बजे। Excellent. They were calling me, asking me, how am I? Do I need anything? They were offering to bring me medicines or food. So it was really nice. Excellent. I felt really supported, actually. Excellent. Wonderful. What do you think of India's first plasma bank, which is a brainchild of the Chief Minister Shri Arvind Kejriwal? That's my bank. It's absolutely incredible. Like, I wasn't sure what to expect, but when I got here, when I saw the hospital, it's beautiful. It's so clean. It's such a modern building. The doctors are so friendly. When you get there, they greet you with namaste, and they look after you, and they hold your hand, basically, while you are getting your plasma donated. Just an incredible experience. It's world class, as far as I'm concerned. So, आपको दिल्ली में, दिल्ली के एयरपोर्ट जाकर कोरोना बीमारी हुई, आप बीमारी से ठीक हुए, और अरविंद केजरीवाल जी की अपील पर आप ILBS आए, और ILBS आकर दिल्ली के इस अस्पताल में आपने अपना प्लाज्मा डोनेट किया, क्या ये सही है? Yeah, exactly. Excellent. आइए फिर, we'll go inside the plasma bank, we'll go inside ILBS, अंदर चलते हैं। और चलते चलते ये बताएं कि जब आप यहाँ आए, when you entered ILBS, आपको क्या लगा? आपको लगा आप किसी हॉस्पिटल में आ रहे हैं, या आपको यहाँ पे बहुत पेशेंट्स का सामना करना पड़ेगा, कई सारे लोग लाइन में खड़े होंगे, बहुत भीड़ होगी, इट विल बी वेरी क्राउडेड, और इट वाज अ वेरी नाइस एंड क्लीन एक्सपीरियंस? एब्सोल्युटली नो क्राउड, नॉट मेनी पीपल, एंड एवरीबॉडी वाज सो क्वाइट। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू आर गोना नोटिस एज़ यू वॉकिंग इन नाउ। देयर इज नो नॉइज़ इन हियर। इट्स रियली अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। इट्स पीसफुल। या, इट्स सीरीन, शांति है। और यहां पे आर्ट गैलरी भी है। हां, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल। तो अब हम आ गए हैं ILBS के रिसेप्शन पे, वहाँ पर प्लाज्मा बैंक की रजिस्ट्रेशन है, और सेकेंड फ्लोर पे प्लाज्मा बैंक है। यानी कि जो लोग आ रहे हैं उनको हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाना, उनको मेडिकल वार्ड्स में, रूम्स के पास से या ICU के पास से नहीं गुजरना, दे कैन जस्ट एंटर एंड गो टू द प्लाज्मा बैंक इमीडिएटली। हां, यू आर सेफ हियर, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट व्हेन यू कम हियर, एंड व्हेन यू गेट हियर यू विल फील रियली रिलीव्ड। To just see how clean and how well run it is. That's what I thought. I felt so good coming here. Excellent. Yeah, there's no issue. What about the doctors? How were the doctors? Did they treat you well? Was there a counseling prior to the donation? आप से उन्होंने चर्चा करी, आपको काउंसिल करा, आपका हालचाल जाना, और जब आपने डोनेशन दी? Absolutely. They will check everything. They will make sure you know what's going to happen. How they're going to take the plasma. You've got to fill out a form which says, you know, are you sick? They just check everything to make sure you can donate the plasma. Then they walk you through the steps. And then you just go up there and do it. And the doctors are so friendly and so professional. That's what I thought. Excellent. So, aiye, aapko after the donation, donation dene ke baad, plasma donation dene ke baad, kya aapko
कोई वीकनेस महसूस हुई, आपको लगा कि आप कमजोर पड़ गए हैं, यू आर फीलिंग वीक, यू आर फीलिंग ड्राउजी? नो साइड इफेक्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं. दे टेक द प्लाज्मा, दे टेक द ब्लड फ्रॉम योर आर्म एंड दे पंप द ब्लड बैक इन. यू डोंट लूज ब्लड, यू जस्ट, दे जस्ट टेकिंग द प्लाज्मा ओनली. सो नथिंग इज लॉस्ट, सो इट्स वेरी कंफर्टेबल. या या, वेरी इजी. एंड आई एम एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ नीडल्स, आई डोंट लाइक नीडल्स, बट देयर इज नो पेन एंड आई डिडंट फील सिक इन द स्टमक व्हेन दे वर यूजिंग द नीडल्स. Because you know the doctor comes up to you and he starts talking to you, asking how you are, where you're from, what you're doing. So you don't even think about the needle. And there's no pain involved. You don't feel the needle actually. So as someone who's scared of needles, like amazing experience. Anyone can do this. So you feel scared of needles, but then you don't have any problem. Very easily, without any pain, you were easily able to donate your plasma. एक्सेलेंट. आप जो लोग इस बीमारी से इन्फेक्ट हुए, पीपल हु हैव कोविड 19 एंड हु आर नाउ रिकवर्ड, आप उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज यू सी वन थिंग दैट वी आर यू नो वन हैज सीन इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल फियर कमिंग बैक टू द हॉस्पिटल, दैट हमें फिर से हॉस्पिटल आना पड़ेगा, नंबर वन. नंबर टू, उन्हें लगता है कि यहाँ आएंगे, प्लाज्मा डोनेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, हमें वीकनेस होगी, प्रॉब्लम होगी. तो उसके बारे में आप एक बार क्या मैसेज देना चाहेंगे टू ऑल द पोटेंशियल डोनर्स आउट देयर? हां, तो फर्स्टली यहां बीमार लोग नहीं है, नो वन हैज कोविड हियर, वी आर ऑल रिकवर्ड पीपल गोइंग टू गिव प्लाज्मा. एंड सेकंडली, देयर इज नॉट मेनी टाइम्स इन योर लाइफ व्हेन यू आर गिवन द चांस टू सेव समवन एल्सस लाइफ. एक्सीलेंट, दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू चांसेस यू आर गोना गेट एंड आई थैंक इंडिया फॉर गिविंग मी दिस चांस टू हेल्प समवन एल्स. You should come here, you should donate, and you will feel incredible because you're actually helping somebody. It's the greatest thing you can do in life, serving other people and helping other people. So take the opportunity and you will feel amazing about yourself by helping others. Excellent. So आपको लगता है जैसे केजरीवाल government ने ये शुरू किया है, और states को भी और countries को भी इसे adopt करना चाहिए? Yeah, whole world should adopt this. Not just the Indian states, the whole world should be running plasma banks now, because at the moment, it's all we have to fight. It's the most effective means we have to fight against Corona. You know, it doesn't work for everybody, but in the people it does work, you save the life. Excellent. And did you get the refreshments at the end of the donation process? Oh yeah, I didn't expect this, but they feed you a massive sandwich and coconut water, and they make sure you're okay. And they'll also pay for your transportation here. You don't lose any money actually. Excellent. तो आने जाने की व्यवस्था भी अच्छी थी. आप तो अपनी गाड़ी में आए थे, यू केम इन योर कार. या आई लव ड्राइविंग इन दिल्ली. एक्सेलेंट. दिल्ली सर, एनी अपॉर्चुनिटी आई कैन ड्राइव अराउंड, आई एम हैप्पी. एक्सेलेंट. तो काल, आप न्यूजीलैंड के हैं, न्यूजीलैंड में बॉर्न एंड रेज, वहीं पले बढ़े, और आपने दिल्ली में आकर प्लाज्मा दिया, बिकॉज आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आपको ये बीमारी हुई. हम आपको सलाम करते हैं. अरविंद केजरीवाल जी ने कल आपको ट्विटर पे आपको सल्यूट भी किया और आपकी तारीफ भी करी बिकॉज ऑफ योर जेस्चर, जेनरस जेस्चर. तो वी सल्यूट यू, थैंक यू डूइंग दिस. और आप थोड़े दिनों बाद, महीने के बाद फिर आकर दे सकते हैं अपना प्लाज्मा. दिस इज माय ड्यूटी ओनली, नो थैंक्स टू यू. एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच. थैंक यू.